चलती जनता एक्सप्रेस ट्रेन में 3 साल पहले हुई युवक की मौत का जीआरपी पुलिस ने खुलासा कर दिया और घटना के मुख्य आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि बीती 4 नवंबर 2016 को शाम के समय दिल्ली से सहारनपुर जा रही जनता एक्सप्रेस ट्रेन में बड़का रेलवे हाल्ट के नजदीक अश्विनी निवासी मौत लैंडी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। चलती ट्रेन में हत्या से सनसनी फैल गई और ट्रेन में बैठे यात्रियों में भगदड़ मच गई। किसी तरह यात्रियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पिछले 3 साल से जीआरपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और आज जीआरपी मुजफ्फरनगर और जीआरपी बड़ौत पुलिस के संयुक्त प्रयास से जीआरपीसीओ ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए इस प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्त गोपाल उर्फ अजय निवासी विवेक विहार थाना आदर्श मंडी जनपद शामली को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी पुलिस ने आरोपी गोपाल के विरुद्ध धारा 302-120B के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। दिनांक 4/11/16 को जनता एक्सप्रेस में अहेड़ी हाल्ट के जीआरपी के पास एक मर्डर हुआ था अश्विनी का। उसके संबंध में इसको जो है विवेक विहार शामली से अपने घर के पास से दिनांक 15 को सायंकाल इनको जो है गिरफ्तार किया गया और 120B के तहत इनको जो है। वहीं इस मामले में जीआरपी थाना बड़ौत पहुंचे परिजनों ने भी हंगामा किया। मृतक अश्विनी की बहन का कहना है कि पुलिस ने लगभग 3 साल बाद इस घटना का जो खुलासा किया वह गलत है। इस मामले में पुलिस द्वारा अश्विनी के मामा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने बताया कि उसके मामा को गलत फंसाया जा रहा है, इस पूरे प्रकरण की दोबारा से जांच होनी चाहिए। ये जो मतलब इन्होंने खुलासा किया ये बिल्कुल जो है गलत किया है। ये मेरे मामा जी हैं, मेरे पति हैं, जो उनके मामा जी हैं ये बिल्कुल निर्दोष हैं। इन्हें जो है इसमें गलत फंसाया गया है। ये सब इनका पुलिस का किया हुआ है सब कुछ। ये बिल्कुल निर्दोष है। कैसे हुई थी आपके भाई की हत्या? ये 4 नवंबर को जो है अहेड़ा रेलवे स्टेशन पर जो है कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार कर दी थी। ट्रेन में? हाँ जी ट्रेन में।